shall I. अपने मित्र की आँख शांत हो जाएगी. कन्हैया, इस पर्वत का नाम क्या है? गोवर्धन है दाम्या, समझे? गोवर्धन क्यों बोलता है कन्हैया? क्योंकि ये गायों का पालन पोषण करता है, इसीलिए इसे गोवर्धन कहते हैं. इसकी छांव में सुरक्षित रहते हैं. कन्हैया जैसे तुम्हारे साथ रहता है. नैया, कभी कभी इस गोवर्धन में हमें तुम भी दिखाई देते हो. अब कोई नहीं दिखाई देगा. क्योंकि मैं सबके सब खा जाऊंगा. पहले इन गायों को खा जाऊंगा, फिर मैं इन बच्चों को भी खा जाऊंगा. जमुना, तुम क्या सोच रही हो? सब ठीक हो जाएगा. मैं हूं ना, मैं जहां होता हूँ वहां सब कुछ ठीक हो जाता है. हाँ कृष्णा, तुम साथ हो इसीलिए तो मैं निश्चिंत हूँ. अच्छा, फिर तुम उदास क्यों हो? बताओ. देखो, रोना नहीं ना. तुम चिंता ना करो जमुना, कृष्ण के पिताजी तुम्हें अवश्य न्याय दिलाएंगे. हाँ हाँ जमुना, तुम बिल्कुल भी चिंता ना करो, पंचायत तुम्हें अवश्य न्याय दिलाएगी. नंदराज जी, we'll be right back.
ताऊ जी। प्रणाम ताऊ जी। प्रणाम, सुखी रहो, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। बैठिए ताऊ जी, बैठिए। कैसे हैं ताऊ जी? कृष्ण की कृपा से ठीक हूं। इन्हीं की कृपा से गोकुल उस भयंकर अगासुर से बचा। अब बताइए ताऊ जी, कैसे आना हुआ? बाहर कौन लोग हैं ताऊ जी? पड़ोस के गांव के कुछ लोग हैं, इस वर्ष उनके गांव में वर्षा नहीं हुई। सूखा पड़ने जैसी दशा हो गई है। कई कई दिन बहुत से घरों में चूल्हा तक नहीं जला। परंतु हमारे यहां गोकुल में तो इंद्र देवता की बड़ी कृपा है ताऊ जी। भरपूर वर्षा होती है और प्रचुर अनाज पैदा होता है। जानता हूं नंदराय जी, इसीलिए तो उन्हें आपके पास लाया हूं। और मुझे विश्वास है कि आप उनकी सहायता अवश्य करेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं ताऊ जी, आइए मिल लेते हैं उनसे। प्रणाम नंदराय जी। ताऊ जी ने मुझे बताया, आश्चर्य तो मुझे इस बात का है कि तुम लोगों का गांव गोकुल से अधिक दूरी पर तो है नहीं, फिर तुम्हारे गांव में वर्षा कैसे नहीं हुई? क्या तुम लोग इंद्रदेव की पूजा नहीं करते हो? इस वर्ष हम पूजा नहीं कर सके नंदराय जी, उसी कारण ये हमारी दशा हुई है। हम मनुष्यों की तो छोड़िए, गायों के लिए भी चारा नहीं है। बहुत से पशु भूख से मर चुके हैं नंदराय जी। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। हम सभी एक ही प्रभु की संतान है, एक पेट भर खाएगा और दूसरा भूखा रहेगा, ऐसा नहीं होगा। ताऊ जी मैं कह देता हूं, आप बैलगाड़ियां भरकर अनाज ले जाइए। और हाँ, इसे शर्त मत समझिए, विश्वास समझिए। अगर हम इंद्रदेव को भूल जाएंगे तो वो हमें भूल जाएंगे, फिर ना तो कहीं अनाज होगा और ना वर्षा होगी। नंदराय जी, इस वर्ष इंद्र की पूजा का उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। उत्सव तो हम गोकुल में भी मनाएंगे, क्योंकि हम देवेंद्र की पूजा ना करके उनके क्रोध को निमंत्रण देने का साहस नहीं कर सकते। प्रणाम नंदराय जी। कल्याण वस्तु देवेन। विराजी देवर्षि। नारायण नारायण देवेन। आप तो जानते हैं कि प्रजापति दक्ष के श्राप के कारण मैं अधिक समय तक एक स्थान पर नहीं रुक सकता, और उसके बाद भी आप मुझे आसनस्थ होने के लिए कह रहे हैं। देवर्षि, क्या आप इस देवराज इंद्र के आतिथ्य को स्वीकार नहीं करेंगे? आपको अप्रसन्न कौन करे? आप तो देवताओं के राजा ही नहीं, स्वयं श्रेष्ठ देवता हैं। देवर्षि, आज मेरी हंसी करके आप मेरा आनंद तो नहीं लेना चाहते? नारायण नारायण देवेंद्र, मैं तो बस प्रभु के नाम में ही आनंद लेता हूँ। मैं भला आपकी हंसी कैसे कर सकता हूँ? आप तो वज्रधारी हैं, आप तो सर्वश्रेष्ठ देवता हैं। इसीलिए
देवेंद्र इसीलिए पृथ्वीवासी आपकी पूजा करते हैं। बस आपकी इसी प्रभुता को बार बार प्रणाम। देवर्षि, आप तो मुझे लज्जित कर रहे हैं। लज्जित? नारायण नारायण, यही तो आपकी विनम्रता है देवेंद्र। भूलोकवासी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, साक्षात महादेव की भक्ति करते हैं। और क्या देवर्षि जी, सब कुछ जानते हुए भी आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं तो सुनिए। भूलोक पर आपकी भी पूजा होती है। नारायण नारायण, देवेंद्र, परम पिता ब्रह्मदेव की पूजा नहीं की जाती है, परंतु आपकी आपकी पूजा की जाती है। देवर्षि? हाँ देवेंद्र हाँ, गोकुल में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपकी पूजा होने वाली है। भाई आपके तो ठाट है। पृथ्वी लोकवासियों के मन में आपके प्रति आदर है, साथ ही साथ पूज्य भाव भी। आपको शत शत प्रणाम। प्रणाम। नारायण नारायण। पृथ्वी लोकवासी मेरी पूजा करते हैं, पितामह ब्रह्मदेव की नहीं। इसका अर्थ क्या मैं पितामह ब्रह्मदेव से भी श्रेष्ठ हूं? नारायण नारायण, फिर तो मुझे त्रिदेवों में पितामह ब्रह्मदेव का जो स्थान है वो मिलना चाहिए। नारायण नारायण, देवराज इंद्र तो गए, लगता है अहंकार ने देवराज इंद्र के मस्तिष्क को भ्रष्ट कर दिया है। नारायण नारायण, त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश, त्रिदेव देवेंद्र। इतनी शीघ्रता से तुमने हार मान ली दामिनी? तो फिर क्या करूं? उस कृष्णा ने सारी योजना चौपट कर दी ना। हाँ, लेकिन कोई तो मार्ग होगा ना। मसी, क्यों मसी, मैं मार्गदर्शन करूं? तुम मार्ग भटक गई हो ना, मुझे मालूम है। चुप कर। किस किस को चुप कराओगी मौसी? तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? सारा जगत तो मेरा घर है। देखा देखा, इतना साया कैसी बातें करता है ये। मौसी, तुम्हारी चाची की तरह बात नहीं कर रहा हूँ मैं। क्यों, क्या कहा है मैंने? सारा गोकुल कह रहा है मौसी गंदी है, झूठी है। हाँ कृष्णा, सभी कहते हैं जमुना जमुना है, और केवल तुम कहती हो जमुना नहीं है। वो जमुना नहीं है। क्यों चाची, तुम्हारी क्या राय है? सोच कर उत्तर देना। पंचायत के सामने तुम दोनों को उत्तर देना है। हैराम, इसीलिए कहता हूँ जमुना को घर ले आओ। हाँ
माँ जमुना को घर ला रही हो? चुप, तू तो अपना मुंह ही मत खोल मूर्ख कहीं का, चल जाए ऐसे। चुप, बैठो। समझे? ये कौन सा पाठ पढ़ा रहे हो तुम सुमत को? मासी मासी, जो पाठ चाची तुम्हें पढ़ाती है इनको पढ़ा रहा हूँ, और नहीं तो क्या। अब तुम जाओ यहाँ से। जमुना को लेकर आओ मौसी। हाँ हाँ लेकर आओ, आओ आओ। है लेकर आओ बढ़ाया, यहाँ बैठ के अपना काम कर, और जमुना इस घर में नहीं आएगी। इंद्र की पूजा कैसे करोगे? बोलो सुमन। हाँ। वर्षा ठीक होनी चाहिए ना? होनी चाहिए। गोकुल हरा भरा होना चाहिए ना? होना चाहिए। आने वाले वर्ष में सुख समृद्धि स्वास्थ्य लाभ होना चाहिए कि नहीं, बोलो? होना चाहिए। इंद्र की पूजा भी करनी चाहिए ना? होना चाहिए कृष्णा। क्या कहती हो मौसी? हाँ हाँ हम इंद्र की पूजा करेंगे। कैसे करोगे? घर की बहू को हटा दिया तो पूजा का फल कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा मौसी, बताओ मौसी। क्यों सुमन? इसीलिए कहता हूँ सुमन, जमुना को ले आओ। इनकी पूजा तो पति पत्नी दोनों को साथ में करनी पड़ती है, दोनों ने मिलकर नहीं की तो दूसरा विवाह नहीं होगा, समझी? ये क्या कह रहे हो तुम? जो मन में आता है बोल देते हो। तुम जाते हो कि नहीं जाते यहाँ से? अब जा रहा हूँ मौसी, पकड़ो। ठहर जाओ। प्रणाम देवर्षि। कल्याण मस्तु देवराज, अति प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। देवर्षि, कृष्ण भी कह रहा है कि मेरी पूजा करनी चाहिए। देवी, क्यों नहीं कहेगा भला, क्यों नहीं कहेगा? आपकी कृपा पाने के लिए हर कोई प्रयास करता है। नंद राय से मिलने आए ताऊ जी के गांव की और उन लोगों की आपने क्या दशा की, ये तो हर कोई जानता है। देवराज, यदि आपकी कृपा हुई तो चारों ओर हरियाली खुशहाली, और यदि आप कुपित हुए तो दुख अकाल मृत्यु। नारायण नारायण। प्रभु, देवराज इंद्र के अहंकार का दमन करने की आपकी लीला देखने के लिए मैं अति उत्सुक हूँ। हाँ राधे, शीघ्र ही देवराज इंद्र के अहंकार का दमन होगा। कब करेंगे आप उनके अहंकार का दमन? मैं नहीं, गोवर्धन पर्वत उनके अहंकार का दमन करेगा। आपकी महिमा अगाध है प्रभु। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा हरे हरे।